हेलो फ्रेंड्स, ये है बोट 50 माइक्रो एसबी केबल और इसे मैंने फ़्लिपकार्ट से 150 रुपये में ऑफ़र में ख़रीदा था, पर इसका जनरल प्राइस 200 रुपये रहता है। तो चलिए फटाफट पैकेट को खोल करके देख लेते हैं कि कैसी ये है केबल और कैसा रहता है इसका परफॉर्मेंस। तो पैकेट खोलने के बाद हमें डायरेक्ट मिल जाता है बॉक्स, और इसके अलावा कोई कुशनिंग नहीं करी गई थी, इस वजह से बॉक्स की हालत ख़राब लग रही है मुझे। और इसमें ऊपर बोट लिखा हुआ है रैपिड चार्ज और नीचे मेड इन इंडिया, पीछे की ओर 3 एम्पियर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट। तो वन साइड पे इसमें सील है, दूसरे साइड से बॉक्स खुला हुआ है, तो सील को उखाड़ देते हैं। तो पैकेट खोलने के बाद डायरेक्ट मिल जाती है केबल, और कोई भी पाउच नहीं, कोई भी पैकेट नहीं, सिर्फ अंदर केबल पड़ी हुई है और एक 2 ईयर वारंटी कार्ड पड़ा हुआ है। तो इन सब को साइड में करते हैं, देखते हैं अपना मेन प्रोडक्ट। तो केबल मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है दाम के हिसाब से, पर अगर बोट की अदर केबल से इसे कंपेयर करें तो अदर केबल के कंपेयर में थोड़ा सा चीप लगती है, पर ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी ठीक है प्राइस के हिसाब से। तो आप इसका जो मेटल देख रहे हैं, ये थोड़ा सा चीप ज़रूर लग रहा है, सस्ता मटेरियल यूज़ करके बनाया गया है, पर बोट की है तो बिल्ड क्वालिटी ठीक है, 2 साल तक की गारंटी है, तो हम इसे ट्रस्ट कर सकते हैं, बोट की ब्रांडिंग भी मिल जाती है। तो चलिए अब हम इसे खोल करके देख लेते हैं कि इसकी लेंथ कैसी है और वायर की क्वालिटी कैसी है। तो यहाँ पर मुझे इसकी क्वालिटी तो ठीक लग रही है, ऊपर नायलॉन ब्रेडिंग की गई है और लेंथ भी ठीक ठाक है, 1.5 मीटर सफिशियंट रहता है चार्ज करने के लिए किसी भी चार्जर से, और वायर भी काफ़ी मजबूत लग रहा है और ऊपर से नायलॉन ब्रेडिंग की गई है, पर वायर थोड़ा सा हार्ड है। अगर हम इसे दूसरे केबल से कंपेयर करें तो वायर थोड़ा सा हार्ड ज़रूर लग रहा है। तो अब आप देख रहे हैं मेरे हाथ में बोट की 2 केबल्स हैं, और रेड वाली केबल 300 रुपये की आती है, इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम लग रही है उसके सामने। तो इसमें देखिए मेटल में भी थोड़ा डिफरेंस है, जो 300 वाली केबल है इसमें मेटल ज़्यादा शाइन कर रहा है, स्टील मटेरियल है, जबकि बोट 50 में आयरन यूज़ किया गया है, और इसका जो वायर है ये काफ़ी सॉफ्ट रहता है रेड केबल का। तो आप अगर ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं तो बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता ही है। तो चलिए अब इसकी परफॉर्मेंस देख लेते हैं। इसे मैंने 20 वाट के चार्जर से कनेक्ट कर दिया है, और आप देख रहे हैं ये मुझे 1790 मिली एम्पियर करंट दे रही है, 1800 तक जाता है, कई बार मैंने इसे चेक किया है और ये कभी भी 2 एम्पियर से ऊपर करंट नहीं देती है। तो आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिएगा कि ये आपको 3 एम्पियर लिखा हुआ है तो 3 एम्पियर देगी, ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 एम्पियर तक की करंट दे सकती है, जो कि मेरे हिसाब से ठीक है, क्योंकि आप माइक्रो एसबी केबल में बहुत ज़्यादा फास्ट चार्जिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते।